रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 5। लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस अबाउट चैप्टर 1 to 4 एंड वी कम्प्लीटली हेयर द स्टोरी हाउ क्लाइमिक्स आर कमिंग। द स्टोरी कैसे कैसे वो टॉप मोस्ट पार्ट पे जा रही है स्टोरी, और कैसे कैसे लोग कंबाइन हो रहे हैं, साथ हो रहे हैं। सब सब जस्ट कॉट अ वाइट व्हेल। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं इस चैप्टर नंबर 5 में क्या आगे स्टोरी बनती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। लास्ट टाइम उसने एक वेल पकड़ ली थी, ठीक है, स्पर्म वेल पकड़ ली थी, और उसके अंदर से ऑयल एक्सट्रैक्ट करने वाली करने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या था। द इनिशियल फेज ऑफ फैट रिमूवल इज कॉल्ड कनिंग कटिंग इन, यानी कि जो इनिशियल फेज था ना, जिसके अंदर उसको फैट को कट करना था, जो फैट को रिमूव करना था, उसको कहते हैं कटिंग इन। एंड दिस टुक प्लेस ऑन अ मॉर्निंग आफ्टर द वेल हैड बीन किल्ड, और ये अमल शुरू हो गया था सुबह को ही जब हमने वेल को पकड़ के मार दिया। फर्स्ट द हैवी चेन सराउंडेड द वेल वर टाइटन एंड द एनिमल वॉज लिफ्टेड आउट ऑफ द वाटर। ठीक है, सबसे पहले तो उस वेल को बाहर निकाला गया पानी से, और जो उसके साथ जो बाकी एनिमल्स थे उनको वापस पानी में छोड़ दिया गया। देन द स्टारबग एंड स्टब यूज लॉन्ग स्पेड्स टू कट अ होल इन द बॉडी। ठीक है, उसके बाद स्टारबग ने और स्टब ने मिलकर उसकी बॉडी के अंदर एक क्या किया, होल किया, सुराख किया, एट ए पॉइंट नियर वन ऑफ द साइड फिन्स, अपने उसकी एक फिन्स के पास एक होल किया। ठीक है, फिन्स इन वो मछली के और जो साइड पे पर लगे हुए होते हैं वो, सो दैट अ ह्यूज हुक कुड बी इंसर्टेड इन द एनिमल्स फ्लैश, ताकि एनिमल फ्लैश, फ्लैश कहते हैं गोश्त को। ठीक है, ताकि एक हुक को, एक टंगाने वाली, शार्क को टंगाने वाली जो हुक होती है इस तरह की, उसको हम लोग इसके अंदर, इसकी बॉडी के अंदर इंसर्ट कर सके, अंदर डाल सके। अटैच टू द हुक वॉज अ पीस ऑफ अ रोप विच वॉज टोस्टेड ओवर द मेन मस्ट। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि फिर उसको वो जो हुक था ना, उसको भी किससे अटैच किया हुआ था, एक रोप से अटैच किया हुआ था, क्योंकि टंगानी थी, हैंग करनी थी, इस वजह से। यूजिंग ऑल द स्ट्रेंथ द एंटायर क्रू पुल्ड ऑन द फ्री एंड ऑफ द रोप अंटिल द फर्स्ट स्ट्रिप ऑफ द ब्लबर हैड बीन सक्सेसफुली रिमूव्ड। ठीक है, उसके बाद फिर सारे क्रू ने, क्रू कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, सारे क्रू ने मिलकर उस रोप को हैंग आउट किया, हैंग किया, और उसके बाद फिर जब हैंग कर लिया, उसके बाद सब ने मिलकर उसके फर्स्ट लेयर को वेल की निकाला। ठीक है, क्योंकि इट्स डिफिकल्ट। ठीक है, द होल बॉडी वॉज देन मेड टू रोल ओवर सेवरल टाइम्स सो दैट द रिमेनिंग ब्लबर कुड बी पील्ड ऑफ इन मच द सेम वे दैट वन वुड पील द स्किन ऑफ एन ऑरेंज। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं कि फिर हमने पूरी शार्क की बॉडी को ना यूँ हिलाना शुरू कर दिया, यूँ यूँ है ना, तो उसको यूँ यूँ चेक करना शुरू कर दिया कि कहीं और तो नहीं उसका लगा हुई कोई स्किन, ताकि बाद में भी फिर आगे हम लोगों ने, ताकि आगे जैसे उसकी स्किन को ऐसे हम लोग उतार रहे थे जैसे एक ऑरेंज के ऊपर से उसका उसकी स्किन उतार रहे हैं, ऑरेंज ऑरेंज छील रहे होते हैं हम लोग, पील ऑफ कर रहे होते हैं, ऐसे उसको स्किन कर रहे थे। द ब्लबर वॉज देन कट इन टू स्ट्रिप्स एंड विच वर पास बिलो डेक थ्रू अ ट्रेप डोर इन टू द रूम कॉल्ड द ब्लबर रूम। ठीक है, उसके बाद उसके ब्लबर को काट कर एक अलग से कमरे में रख दिया, और उस कमरे का नाम क्या है, ब्लबर रूम है। हियर द ब्लबर वॉज बॉइल्ड इन लार्ज आयरन पॉट, और उसके बाद यहाँ पर ब्लबर को एक बड़े सारे आयरन पॉट के अंदर क्या किया, बॉयल किया गया। उस पॉट को क्या कहते हैं, ट्राई पॉट कहा गया, सो दैट द ऑयल कुड बी एक्सट्रैक्टेड, ताकि क्या ऑयल निकल सके। उसको हॉट करेंगे, गर्म करेंगे, उसके बाद फिर वो ऑयल निकलेगा। फाइनली द ऑयल वॉज पोर्ड, उसके बाद फिर हम लोग ने ऑयल निकला, तो उसको एक वुडन बैरल के अंदर डाल दिया गया। एट द लिड वॉज सील्ड विद वैक्स, और उसके बाद उस बाउल, वुडन बाउल को एक वैक्स से सील कर दिया गया, बंद कर दिया गया। Once all the blubbers has been removed from the sperm whale, जब सारे के सारे blubbers sperm whale के अंदर से निकाल दिए गए, the next page पे आ जाइए, the sailor behind the creature and allow the creatures to float away. अब उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आगे अपना सफर उन्होंने जारी किया, the head remained chained to the side of the ship. उसके बाद जो उस whale का जो सर था ना, वो वैसे ही उस ship के अंदर ऐसे ही साइड पे लटकाए रखा, because it contained स्पर्मेटिस वेरिएबल वैक्स लाइक सब्सटेंस यूज टू मेक कैंडल्स एंड लोशंस। ठीक है,
और उसके बाद क्या किया गया कि उसको हेड इसी तरह से चेन की तरह लटकाया गया कि ताकि और स्पर्म वेल्स अटैक हों। द लार्ज स्पर्म वेल हेड ऑफन कंटेन हंड्रेड ऑफ लीटर ऑफ स्पर्मिटीज इनफ टू मेक अ क्रू ऑफ एनी वेलिंग शिप वेरी रिच इंडीड। यानी कि वो कह रहे हैं कि एक बड़ी सारी जो स्पर्म वेल होती है उसको अगर हम लोग कोई पकड़ ले, ठीक है, तो वो इतनी कॉस्ट वाली होती है कि एक जो क्रू होता है पूरा का पूरा, वो अच्छा खासा अमीर हो जाए। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग द स्पर्मिटीज फ्रॉम द वेल हेड वॉज नो इजी टास्क। उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने जब वो उसके हेड के अंदर से भी ना स्पर्मिटीज निकाल रहे थे, और वो कह रहे थे कि ये उसके हेड के अंदर से भी, सर के अंदर से भी वो ऑयल एक्सट्रैक्टिंग वैक्स निकालना भी कोई आसान काम नहीं था। एंड स्टारबक चूज टेस्टिको टू कैरी आउट दिस चैलेंज टास्क। स्टारबक ने कहा कि तुम टेस्टिको को कि तुम करोगे ये काम। आई वॉच इन यू एज अ बिहेवियर हार्पूनर जम्प्ड ऑन टू द व्हेल स्लिपरी हेड एंड बिगिन कटिंग अ होल अराउंड द स्पॉट। उस बात फिर मैं देखता हूँ कि हार्पूनर जो था वो उस व्हेल के सर के अंदर से सुराख करते करते निकाल रहा है। वंस द होल वॉज लार्जली इनफ टेस्टिको यूज अ लॉन्ग स्पेयर टू कट अ होल इन द व्हेल हेड अंटिल ही फाउंड द एरिया दैट हेल्ड द प्रीशियस स्पीटमीज। उसके बाद वो कहता है कि टेस्टिको ने होल करता गया जब तक कि उसको एक ऐसी जगह ना मिली जो कि जहाँ पे प्रीशियस स्पर्मिटीज प्रेजेंट होती हैं, पड़ी भी होती हैं। आफ्टर दैट अ बक वॉज पास्ड बकेट वॉज पास्ड अलॉन्ग अ रोप टू द हार्पनर हु लोड इट इन टू द व्हेल हेड एंड कलेक्टेड द वाइट फोर्थ ही लिक्विड। ठीक है, उसके बाद फिर एक बकेट दी गई हार्पनर को जिसके अंदर उसने वाइट लिक्विड रखा। तस्तको स्पेंड एटलीस्ट 2 आवर्स बेंट ओवर द हेड। उस तस्तको ने एटलीस्ट, वो कह रहे हैं कि तस्तको 2 घंटे अपना सर नीचे रखा, फिलिंग बकेट इन विद स्पर्मिटीज। 2 घंटे से वो मुसलसल काम कर रहा था कि स्पर्मिटीज को क्या बकेट के अंदर, बाल्टी के अंदर डाल रहा था। एट अराउंड द 8th एंड 9th बकेट द हार्पनर स्टूड अप। 8वीं और 9वीं बकेट अभी फिल होने वाली थी तो हार्पनर फॉरन एंड द हॉरर एंड टू द हॉरर ऑफ दोज वॉचिंग स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रेड पल्प ऑफ द व्हेल हेड। ठीक है, और वो जब इस डर से पीछे हट गया पैनिक, और जैसे वो खड़ा हुआ ना तो फौरन ही वो नीचे, मतलब कश्ती से नीचे गिरने के लगा। ये देखिए इस पल इसमें दिखा भी रहे हैं, ये देखिए किस तरह से सर के से स्लिप होकर गिरा था। ठीक है, पैनिक ब्रोक डाउन ऑन द डेक और हर तरफ हपड़ धपड़ मच गई। बट द वर्स्ट वॉज येट टू कम। लेकिन मतलब सब यही कहते हैं कि किसी तरह से बचा लीजिए। टेस्टिको एफर्ट्स टू क्लाइम आउट ऑफ हिज प्रिजन कॉज द हेड टू स्वे एंड विद द सडन लॉक्ड क्रैक द चेन ब्रोक अवे फ्रॉम द मास्ट। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि टेस्टिको ने अपनी पूरी कोशिश की, उसने अब चेन भी फेंकी लेकिन बचा, मतलब वो ताकि बच सके। द शिप नियरली ओवरटर्न एंड मैनी सेलर्स इंक्लूडिंग मी वर नॉक्ड ऑफ देयर फीट। ठीक है, शिप जो थी वो अचानक से मुड़ना शुरू होगी। आई हेल्ड ऑन टू द रेलिंग एंड पुल्ड माई सेल्फ अप इन टाइम टू सी द व्हेल हेड डिसअपेयर अंडर द वाटर। ठीक है, और मैंने अपनी, वो कहते हैं कि हमने बड़ी कोशिश की कि बचाएं किसी चीज़ को, ठीक है, लेकिन वो जो व्हेल का जो सर था वो वापस पानी के अंदर फेंक गया। टेस्टिको आई येल्ड, टेस्टिको ने आवाज दी, मैन ओवर ओवर बोर्ड बोर्ड कैरेट डैगो। डैगो ने कहा बच्चो आई विल गेट हिम। मैं और क्विक ने कहा मैं वापस ले आऊंगी उस हेड को। क्लचिंग अ सॉर्ड इन हिज हैंड, उसने अपने ये देखिए इसने अपने हाथ में तलवार पकड़ी और वापस समुंदर की तरफ अंदर जाने लगा। ठीक है, उसके बाद फिर आ जाते हैं द हार्पनर रश इन टू द क्वार्टर डेक एंड ड्राइव्ड ऑफ। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं कि हार्पनर ने अपने आप छुरी पकड़ी और नीचे की तरफ डाइव किया, छलांग लगाई। विद अ माइटी स्प्लैश माई करेजियस फ्रेंड क्विक वैनिश इन टू अ डार्क ब्लू वाटर। और मेरे दोस्त क्विक ने बड़ी हिम्मत से पानी के अंदर छलांग लगाई। मिनट पास बट देर वॉज नो साइन ऑफ आदर हार्पनर। लेकिन काफ़ी टाइम गुजर गया था लेकिन कोई दूर दूर तक आसार नहीं था हार्पनर के। जस्ट एज आई बिगिन टू फेयर द वर्स्ट, और फिर मुझे अजीब अजीब ख्याल आना शुरू हो गए। क्विक बस्ट ऑफ द वाटर पुलिंग टेस्टिको विथ हिम, क्विक ने अपने आप को पानी के अंदर डाला है। अब क्या होगा, द क्रू अपील्ड वाइडली एंड अ स्मॉल बोट वॉज लोड इन टू ब्रिंग द पेयर बैक ऑन बोर्ड। उसके बाद फिर एक छोटी सी बोट पानी के अंदर गई ताकि देखने की कहीं दूर दूर आसार हैं या भी नहीं। हाउ डिड यू मैनेज टू सेव हिम, आई आस्क माई फ्रेंड लेटर। मैंने अपने दोस्तों से पूछा
कि अगर हमें कोई को बचाना पड़ गया तो हम कैसे बचाएंगे किसी भी चीज़ को. इट वॉज इजी रिप्लाइड क्विक. क्विक ने कहा हाँ ये बहुत आसान है. आई सिंपली कट अ होल इन द वेल हेड एंड पुल टेस्टिको आउट. मैं सिंपली वेल के सर में सुराख करूंगा और टेस्टिको को बाहर निकालूंगा. रिमेंबर द लेसन इजमेल. इजमेल ने कहा एक बात हमेशा याद रखना है. यू कैन अचीव जस्ट अबाउट एनी थिंग इफ यू हैव इनफ फेथ एंड करेज. तुम लोग तब तक कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते जब तक तुम्हारे अंदर खुद एक फेथ और एक जज्बा ना हो. ठीक है. आई नॉडेड एंड स्माइल. मैंने सर हिलाया. मैंने कहा बेशक हाँ यही बात है. और मैं मुस्कुराया. ठीक है ये हमारा चैप्टर 5 था, छोटा सा था. तो ये था आज कक्षा. आई होप आपको समझ आ गया होगा. अगर आज कक्षा आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा. से मिलने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचेगी. मिलती हूँ किसी और वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.